वेलकम बैक। तो कैसे आप सब लोग, आप आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड क्यूज़ीन में। तो आज हम जो एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ, 5 एसेंशियल एक्सरसाइज फॉर योर ट्रेनिंग रूटीन। आप ये 5 एक्सरसाइज अपनी ट्रेनिंग रूटीन में ऐड कर सकते हो। तो इसका आई होप आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें जो सारे मूवमेंट हैं वो पार्शल है। जैसे सबसे पहला है, तो सबसे पहले एक बार बताता हूँ, जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके पूरा देखें वीडियो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूँ। तो फिर आप अपना प्यार दिखा दो, जो न्यू वन है वो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलना, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए, पहला जो पहली एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताता हूँ, जो वो है पार्शल चिन। गाइस, ये है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। मैंने रोप लगा दिया है, तो रोप चिन अप ऐसे। रोप तो सबकी जिम में हो गई। अब ये जो थर्ड वन एक्सरसाइज है, ये है जो टॉप रोलर होते हैं उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो रोप को ऐसे पकड़ना है, गाइस। अब जो थर्ड वन एक्सरसाइज है, फोर्थ एक्सरसाइज है, वो है हैमर कर्व। उसमें भी आपने हैमर कर्व ये करके गाइस, इसी के साथ आपने ले लिया ज़िगज़ैग रॉड, जिसको हम कहते हैं ईज़ैग बार। वो अपने रिवर्स पकड़नी है, बताता हूँ कैसे पकड़ते हैं इसको। ये हमें ज़िगज़ैग रॉड, तो ऐसे पकड़ के इसको भी ये जो दो एक्सरसाइज मैंने बताई हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो वीडियो में बने रहे। तो गाइस, ये जो एक्सरसाइज मैंने दो अभी परफॉर्म की है, एक हैमर कर्ल और रिवर्स। रिवर्स कर्ल है जो अभी किसी भी बेंच पे बैठ के या पैसे पकड़ के वो भी कर सकते हो, और जो हैमर कर्ल है वो तो आप या प्रीचर पे कर सकते हो, प्रीचर पे, और या आपका इंक्लाइन बेंच होगा तो उस पर आप स्टैंड उसको करके जैसे मैंने परफॉर्म किया वैसे आप कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है, आप ऐसा बेंच लेके उस पर दो डंबल लेके, मैं एक डंबल से आपको बता रहा हूँ, आप दो डंबल लेके वो कर सकते हो उसको, बाइसेप्स हैमर बाइसेप कर लो। गाइस, आप गाइस आप ज़िगज़ैग रॉड से भी ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, ऐसे बैठ के अपने जो। तो दूसरी एक्सरसाइज मैंने बताई ज़िगज़ैग रॉड पे, ये इसको मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर एवरी आर्म रेसलर। तो गुड बाय, सब एक्सरसाइज ये वाली करते हैं, क्योंकि इसमें जो फोर आर्म ब्रैकेरियस रेडियलिस। तो गाइस, ये बेंच देख लो आप, इस पे मैं एक टिप्स और दूंगा, उसको आपने क्या करना है, मैंने कैसे उसको परफॉर्म करना है मैं अब आपको बताता हूँ। एक रेजिस्टेंस बैंड लेना, जिसका भी कंपटीशन है वो उसके 6-7 दिन पहले वो ये एक्सरसाइज करें, वो उसके ना स्पीड पे काम करें। स्पीड से ये होगा कि आप कोई भी रेजिस्टेंस बैंड लेके, बस अगर कोई आपका दोस्त है जिम में तो उसका हाथ में हाथ लेके उस पर लाउड नहीं देना। क्या करना है, अगर फ्रेंड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप केबल मशीन पे अपना रेजिस्टेंस बैंड लगा के स्पीड पे काम करें ऐसे।
सिर्फ स्पीड पे काम करना है। तो आई होप ये भी आपको अच्छा लगा हो। तो गाइस आज का व्लॉग ये यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको सारी एक्सरसाइज जो मैंने बताई है वो अच्छी लगी हो। तो लाइक सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, कमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपने भाई को, छोटे या बड़े भाई को दो इजाज़त। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। देखा अभी आप लोगों को वसीम भाई ने ट्रेन किया आप रेसलिंग के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इतनी पीए जो एक्सरसाइज है ना, अगर आप लगाओगे ना तो मैं बोलता हूँ बड़े बड़े हैंड पावर भी आपके आगे कुछ नहीं करेंगे। तो फिलहाल आज का व्लॉग वसीम भाई का मैं एंड कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रखो भाई को, प्यार दिखाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मेरा नाम सुहेल रजा, मैं भी व्लॉगिंग करता हूँ और